गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ITIs के बारे में सारे बातें करने वाले हैं। ठीक है, इसके स्कोप क्या है, ये इसके लिए हमको कैसे प्रिपेयर करना है, हम गवर्नमेंट ITI से करें या प्राइवेट ITI से करें, ITI करने के बाद हमको सैलरी कितने मिलने वाले हैं, तो हमारे लाइफ कैसे हो गए, ये सारे बातें करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं एक तो वीडियो अपने चैनल पे बना के रखा था, हाउ टू प्लान योर करियर विथ ITI। ठीक है, ये वाला वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए, आपको काफ़ी जानकारी मैं उस वीडियो में दिया। दोस्तों, यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस मैंने देखा जो शायद कि मतलब किसी नॉन टेक्निकल फील्ड के बंदे बना के रखे हैं, जो जिंदगी में कभी ITI किया ही नहीं है, वो ITI के बारे में बता रहे हैं। तो वो आपको कैसे बता सकते हैं मैंने से। ठीक है, ये सारे वीडियो देख के आप लोग भ्रमित मत होइए। और ये सारे वीडियो मैं जब देखा तो मेरे को लगा कि यार मेरा सारा फ्रेंड तो गलत ही समझ रहे हैं। तो ठीक है, मैं इसीलिए आज इस मैंने वीडियो को बना रहा हूँ और आपके पास जानकारी लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल को लाइक कीजिए। एंड अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको आपके फील्ड के रिलेटेड जानकारी मिलते रहे। ठीक है, और आप अपडेट रहे। तो दोस्तों, तो ITI की स्कोप के बारे में बात करेंगे। देखो, जो ITI कैंडिडेट हैं या जो ITI किया हुआ बंदा है, वो अपने पसंदीदा काम को अपने हाथ से सीखते हैं। और आज का डेट में कोई भी बंदा जो जिसको कुछ करना आता है, उसका पेट कभी नहीं भूखा रहता। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं कुछ मिल ही जाएगा। और आज की इस अनएम्प्लॉयमेंट के युग में ITI करना जनरल कैंडिडेट के लिए, जो पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको जो भी करना पसंद आता है, ठीक है, आपको जो भी काम करना पसंद आता है, आप अगर देखोगे आपके राज्य में उस चीज़ के रिलेटेड ITI मिल ही जाएगा। वहाँ पे जाके आप उस काम को सीखो। जब आप उस काम को सीखोगे तो शुरू में शायद आपका सैलरी कम होगा। मैंने अपना जिंदगी 2500 रुपया महीना करियर से शुरू किया था। ठीक है, उससे भी कम से शुरू किया था। चलो, ये तो बहुत पुराने बातें हैं। तो आप को शुरू में सैलरी कम रहेगा, फिर धीरे 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 जब आपका हाथ में ताकत आएगा, आपका हाथ में स्किल आएगा, तो आपका सैलरी एक दिन ठीक बढ़ जाएगा। ठीक, आप अगर कोई काम को सीखते हैं, आपको उस काम में स्किल है, तो आपको जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अभी देखते हैं कि हम गवर्नमेंट से ITI करें या प्राइवेट से ITI करें। ठीक है, देखो, गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट मतलब ITI कॉलेज में टीचर हमेशा बढ़िया होता है। ठीक है, जो ना बढ़िया टीचर होता है अपने फील्ड में, वो गवर्नमेंट में नौकरी करना ही पसंद करता है। और किसी गवर्नमेंट ITI में जो पढ़ाई लिखाई होता है, वो प्राइवेट ITI से काफ़ी गुना अच्छा होता है। ठीक है, आपको अगर कुछ सीखना है, कुछ बनना है, तो कोशिश कीजिए गवर्नमेंट ITI में घुसने की। अगर आपको तो ना चांस नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे पहले एग्जाम्स देना पड़ता है, फिर आपका एडमिशन्स होता है, आपको अगर चांस नहीं मिलता है तो ज़रूर आप प्राइवेट में जाइए। प्राइवेट ITI में जाके आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। मैं ऐसे बातें नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ में भी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, बट गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई बहुत अच्छा होता है।
ठीक है, तो आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मैं तो बोलूँगा आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मैंने भी एक गवर्नमेंट आईटीआई से ही आईटीआई किया था। चलो खैर, मैंने तो कैलकाटा, हाँ, तो एटीआई से एमटीआई किया था पहले, जो इक्विवेलेंट टू आईटीआई है। ठीक है, देन सैलरी की बात करें, अगर आप आज का डेट में अगर आईटीआई पास करते हो तो एकदम छोटे से छोटे कंपनी में आपको 7 से 10 10 हज़ार रुपया सैलरी स्टार्टिंग में मिल ही जाता है। फिर धीरे धीरे आप जब एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, स्किल को सीख लेते हो, तो इसका तो हायर लिमिट का तो मैं कोई बात ही नहीं करूँगा। मैंने देखा हूँ ओनली आईटीआई क्वालिफाइड बंदा आज का डेट में 50 हज़ार रुपया 60 हज़ार रुपया सैलरी कमा ले रहे, उसका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके। पहले एज ए लेबर घुसा था, फिर सुपरवाइजर बना, फिर चार्जमैन बना, फिर मैनेजर बना। मैं तो ना इसी तरह धीरे धीरे उसके प्रमोशंस होते रहते हैं। बट सबसे बढ़िया जो उसकी चीज़ है, सबसे मेन जो चीज़ है, आपको आपका स्किल को डेवलप करना है। आप अगर अपना स्किल को डेवलप नहीं करते हो तो आपका सैलरी भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जब आप गवर्नमेंट में ज्वाइन करते हो तो आप तो ना ग्रुप सी का 1900 ग्रेड पे में आपका ज्वाइनिंग होगा, जिसका आज का डेट में 22 23 हज़ार रुपया स्टार्टिंग सैलरी बनता है। फिर आपको गवर्नमेंट में डीए बढ़ता है, तो आपका धीरे 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 सैलरी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपको चिंता नहीं करना, ठीक है।